पहला क्या है, 12 12 12 12 तो क्या होगा, 4 तिहाई 12, 4 आंसर, ठीक है। क्या है, 6 6 6 6 2 तिहाई 6, 2 आंसर, ये क्या हो गया, 3 3 3 3 ये क्या हो गया, 3 आंसर, ये क्या हो गया, 5 5 5 5 तो ये आपका हो जाएगा 5 का पावर 7 बटा 8 आंसर। और ये क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 इसका प्लस में तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 के बीच। आया समझ में, नहीं समझ में आया, रुकिए थोड़ा सबर कीजिए तब समझ में आएगा, ठीक है। देखते हैं अब इसको डिटेल से, देखते हैं कि कैसे होता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। अब हम लोग देखते हैं क्या कि कैसे इसका आंसर हो रहा था। तो इस टाइप को आपको क्या करना है, पकड़ना है, क्या करना है, टाइप को पकड़ना है। ये मान के चलिए इस तरह से इसका हम टाइप क्या कर देते हैं, टाइप वन कर देते हैं। इस टाइप में आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर दिया है ना, 12 रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12 प्लस रूट अंडर 12, ये कहां तक देगा, इन्फिनिटी तक देगा, कहां तक, इन्फिनिटी। जब इन्फिनिटी तक दिया रहेगा और बीच में क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। तो आपको सोचना है कि 12 को, 12 को ऐसे दो नंबर में तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए और अंतर कितना का हो, एक, है ना। दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर दो है, दुनिया में ऐसा कौन दो नंबर है जिसको गुणा करने पे 12 आ जाए और दोनों के बीच में अंतर कितना का है, एक का अंतर है। तो वैसा नंबर मिलेगा क्या, 4 और 3, ठीक है। और एक बात ये ध्यान रखना है कि अगर बीच में क्या रहेगा, प्लस रहेगा, तो बीच में प्लस रहेगा तो जो दोनों फैक्टर तो रहे ना, इसमें का बड़ा वाला आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, छोटा वाला आंसर नहीं होगा, याद रहेगा। प्लस की जब बात हो तो इसको ऐसे दो फैक्टर में तोड़ेंगे कि अंतर कितना का हो, एक का, और गुना करने पे क्या आ जाए, 12 आ जाए, तो प्लस रहेगा तो 12 वाला वैल्यू क्या होगा, आंसर होगा। आ गया समझ में, ये टाइप क्या था, फर्स्ट था। दूसरा टाइप जो होगा, टाइप सेकेंड, इसमें क्या होगा कि माइनस में रहेगा, क्या रहेगा, माइनस में, 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6, ये कहां तक रहेगा जी, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इस केस में आपको सोचना है, इस केस में भी वैसे ही काम करना है कि सोचना है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको तोड़ेंगे तो कि दो नंबर में तोड़ना है ना, ऐसे दो नंबर में तोड़ना है कि गुना करने पे क्या आ जाए, 6 आ जाए, और दोनों के बीच में गैपिंग कितना करना चाहिए, एक का गैपिंग होना चाहिए। तो उस तरीका से नंबर हमको मिलेगा क्या, 3 और 2, 3 2 जा 6 हो गया, और 3 और 2 में अंतर कितना का, एक का, लेकिन चूंकि बीच में क्या है, माइनस है, जब बीच में माइनस रहे तो इस नंबर को ऐसे तोड़िए कि गुना करने पे इतना और दोनों का अंतर कितना का, एक का, तो इसमें छोटा वाला आंसर हो जाता है और बड़ा वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। दोनों ध्यान से समझना है कि प्लस में रहेगा तो फैक्टर तोड़ेंगे, अंतर एक का होना चाहिए, बड़ा वाला आंसर होगा। माइनस में रहेगा, फैक्टर तोड़ेंगे, छोटा वाला आंसर होगा। माइनस में रहेगा तो छोटा वाला, प्लस में रहेगा तो बड़ा वाला। सेकंड टाइप समझ में आ गया। अब आते हैं थर्ड टाइप में, टाइप थ्री। तो थ्री टाइप में क्या रहेगा कि यहां पर सब मल्टीप्लाई में रहेगा, क्या रहेगा, मल्टीप्लाई में। ये आपका कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा। तो इन्फिनिटी तक रहेगा, इसका आंसर क्या होगा जानते हैं, यहां पर जो नंबर रहेगा ना वही आंसर हो जाएगा जब मल्टीप्लाई में रहेगा, क्या रहेगा, सब मल्टीप्लाई में रहेगा, बीच में प्लस माइनस नहीं रहेगा। तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, जो नंबर रहेगा वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये समझ में आ गया टाइप 3। अब चलते हैं टाइप 4 पे। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। टाइप 4 ध्यान दीजिएगा, पास, ठीक है। टाइप 4 में देखिए क्या आएगा, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस, इस तरह से रहेगा, कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा, ठीक है। तो जब सारा का सारा
रूट के अंदर रहे और क्या रहे, प्लस में रहे। तो इसके पहले टाइप वन में क्या देखे थे कि बीच इस नंबर को, रूट के अंदर जो नंबर था उसको ब्रेक करना था ना, तो लेकिन ये तो ब्रेक नहीं ना होगा। ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पर थ्री आ जाए और दोनों के फैक्टर में अंतर का क्या हो, एक का अंतर, एक का अंतर। ऐसा तो कोई नंबर नहीं है। जब ये फ्रैक्शन, ये जब ये नंबर दिया रहेगा, ये जो नंबर टूटने वाला नहीं रहेगा, क्या रहेगा, टूटने वाला नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे कि प्लस रहेगा तो इसके आगे वाले नंबर के बारे में सोचेंगे। किसके बारे में, इसके आगे वाले नंबर के बारे में। जैसे थ्री का तो हम नहीं तोड़ सकते दो नंबर में कि मल्टीप्लाई करने पर थ्री और अंतर एक का हो, तो इसके आगे वाले नंबर को सोचेंगे। थ्री के आगे कौन सा नंबर मिलेगा जिसको ऐसे दो नंबर में तोड़ा जा सकता है कि अंतर कितना का हो, एक का हो। तो तीन के बाद क्या आएगा, चार। तो चार को हम क्या लिख सकते हैं, दो गुना दो, दो दुना चार हो गया, लेकिन दो और दो में अंतर जीरो का हो गया, तो नहीं चलेगा। चार के बाद क्या मिलेगा, पांच। तो पांच, पांच को भी नहीं तोड़ सकते हैं। पांच के बाद क्या मिलेगा, छह। छह को तोड़ सकते हैं, छह को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, छह को लिख सकते हैं टू इंटू थ्री, तीन दुना छह हो गया, दोनों में अंतर, दोनों फैक्टर में अंतर कितना का हो गया, एक का। तो जब प्लस में रहे और ये नहीं टूटता तो इसके आगे वाले नंबर के बारे में सोचना है। तो थ्री के बाद में हमको सिक्स मिलेगा जिसको हम फैक्टर में तोड़ सकते हैं कि दोनों फैक्टर में अंतर कितना का होगा, एक का। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दो, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दो और तीन के बीच होगा, ठीक है। इसी में एक और टाइप आ जाता है, मान के चलिए चीज माइनस में दिया रहे, किस चीज में दिया रहेगा, माइनस में दिया रहेगा आपको थ्री माइनस रूट अंडर थ्री माइनस रूट अंडर थ्री, इस तरह से दिया रहेगा। ये कहां तक रहेगा, इन्फिनिटी तक। तो इसका वैल्यू क्या होगा, तो जब ये माइनस में रहेगा ना, हम क्या बोले, प्लस में रहेगा तो आगे वाले नंबर के बारे में सोचना है, तो माइनस में रहेगा तो पीछे वाले। तो तीन के पहले ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा जिसको ऐसे ब्रेक करो कि दोनों के फैक्टर में अंतर कितना का हो जाए, वन का। तो तीन के पहले क्या आएगा, दो। तीन के पहले क्या आएगा, दो आएगा। तो तीन के पहले दो आएगा, तो दो को हम क्या लिख सकते हैं, एक गुना दो लिख सकते हैं। दो में डिफरेंस कितना गया, दोनों फैक्टर में डिफरेंस कितना का है, एक का है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एक और दो के क्या होगा, बीच में होगा, ठीक है। इस टाइप समझ में आ गया। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है, इसी टाइप का है, जैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, वन प्लस वन प्लस वन, इस तरह से रहेगा, कहां था, इन्फिनिटी था। तो प्लस वाला है ना, तो वन के आगे के बारे में सोचेंगे, क्यों, क्योंकि वन तो टूटेगा नहीं, तो इसके आगे इसके आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो के बीच, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इसका भी आंसर एक और दो के बीच में है और इसका भी आंसर एक और दो के बीच में आएगा, ठीक है। हो सकता है कि पॉइंट में कुछ डिफरेंस होगा, जैसे इसका एक पॉइंट मान के चलो कितना 37 कुछ आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.28, इस तरह से है ना, पॉइंट में ही डिफरेंस पता चलेगा। तो ये इस तरह का है, इस तरह का क्वेश्चन है, और आगे कुछ देखते हैं इसका टाइप। अब अगला टाइप के बारे में देखते हैं, छठा नंबर, टाइप सिक्स। इसमें क्या रहेगा ना, इसमें ऐसे रहेगा 5 √5 √5, इसमें इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा, कहां तक, इसमें इतना ही तक रहेगा, इन्फिनिटी तक नहीं रहेगा, तीन को टर्म में रहेगा चाहे चार को टर्म में रहेगा। तो इसका बनाने का तरीका है कि सबसे पहले इसको काउंट कीजिए, क्या को है, एक दो तीन। तो जितना रहेगा ना, दो का पावर उतना निकालिएगा, तो दो का पावर तीन आएगा तो कितना आ जाएगा, आठ। उसके बाद इसका आंसर लिखते समय जो बेस है वो नहीं लिख देंगे, और इसके पावर में जो यहाँ आया है उससे एक कम करके ऊपर और नीचे आठ हो गया। आई बात समझ में, जैसे एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे लिखा रहेगा टू, नहीं लेते हैं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, थ्री 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 हो गया, कितना बार थ्री है, एक दो तीन चार पांच बार थ्री है। तो सबसे पहला काम है दो का पावर क्या निकालिएगा, पांच। तो दो का पावर पांच कितना होगा, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी सोलह, दूना 32, 32 आ गया। तो इसका आंसर लिखते समय क्या होगा, थ्री लिखेंगे, थ्री का पावर जो आया उससे एक कम, ऊपर में 31, नीचे में 32, ठीक है। तो ये क्या था, शॉर्ट्स एंड इंडिसेस के कुछ स्पेशल केस था, है ना, जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है,
तो इस स्पेशल केस को ऐसे ही बनाएंगे। एक अगला टाइप देखिए, यहां पे क्या रहेगा आपको, यहां पे रहेगा 8 माइनस रूट अंदर 15 और यहां पे रहेगा 2, ठीक है, ये अलग टाइप है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि छोटका रूट जो है ना, छोटका रूट के आगे में 2 लिखा हुआ है कि नहीं है। अगर ननकी रूट के आगे में क्या लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, तो इस वाले नंबर को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 15 और जोड़ने पे क्या आ जाए 8। तो एक नंबर लेंगे हम क्या 5, दूसरा नंबर लेंगे 3, 5 × 3 = 15, 5 × 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। ध्यान रखिएगा यहाँ पर पहले बड़ा नंबर लिखिएगा और यहाँ पे छोटा नंबर, दोनों की तरफ क्या चढ़ा देना है रूट, बीच में माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस दे देंगे, प्लस रहेगा तो प्लस, ठीक है। तो इसका ये स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, 7 + 2√6 इस तरीके से। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको तोड़ेंगे तो गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 7 आ जाएगा। तो एक लेंगे 6, दूसरा लेंगे 1, 6 × 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आंसर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे रहेगा 1। इधर भी रूट चढ़ाएंगे, इधर भी रूट चढ़ाएंगे, बीच में प्लस है तो क्या दे देंगे, प्लस दे देंगे, है ना। यानी इसका आंसर क्या हो गया, √6 + √1 का वैल्यू क्या होता है, 1 ही होता है, ये वाला आंसर हो गया, समझ गए। तो ये सब स्पेशल टाइप का क्वेश्चन था, इसको इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं, जय हिंद।